शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य हैं 8 सितंबर 2023। आज भोलानाथ बाबा कहे, मैं आया हूँ तुम बच्चों की बिगड़ी को बनाने, और बिगड़ी को बनाने का आधार है पवित्रता। पवित्र बनने के लिए बाबा कहे, बच्चों को नष्टो मुहा बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की बाप को मदद करते हो। फिर कहा कि रुद्र शिव बाबा की माला बहुत सर्विस करती है, तुम पवित्र बन सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर स्वर्ग बनाते हो, तो जरूर सारी सृष्टि को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। इसलिए शिवलिंग के साथ छोटे छोटे शालिग्राम की पूजा होती है। फिर कहा, वह शिव बाबा है निराकार, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहम दिल, वही आकर सबके ऊपर रहम करते हैं। और कहा, शिव बाबा बिगड़ी को बनाने के लिए आते हैं, तो कभी भी देह अभिमान में आकर शिव बाबा की अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा होती है तो बाबा से क्षमा लेनी है, बाबा आज हमसे यह भूल हुई है, क्षमा करो, फिर आगे यह भूल नहीं होंगी। भूल विक्रम व गलती करके बाबा से छिपाना नहीं है, अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं ही छिप जाएंगे, अर्थात ज्ञान बुद्धि से लुप्त हो जाता है। फिर कहा कि देह अभिमान तोड़ने के लिए तुम बच्चे सब कुछ करते थे, मोटर साफ करना, धोबी का काम करना, पहले गुरुकुल में भी लकड़ी कटवाते थे, आश्रम सफाई करवाते थे ताकि देह का अभिमान टूट जाए। फिर कहा कि अपने को कभी मियां मिठू नहीं समझना है, पहले ज्ञान और योग का अनुभव करना है, फिर दूसरों को बतलाना है। इसमें साफ दिल है तो ऊंची मुराद हासिल होती है, अर्थात ऊंच पद प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है, सच्चे दिल पर साहेब शिव बाबा राजी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे कोई भी भूल हो तो बाप से छिपाओ मत, अगर छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते स्वयं भी छिप जाएंगे। आज मुरली से प्रश्न है, बिगड़ी को बनाने वाला बाप तुम बच्चों की बिगड़ी किस आधार पर बनाते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, पवित्रता के आधार पर। तुम बच्चे जानते हो, जब बाप बिगड़ी को सुधारने आते हैं तो इस पवित्रता पर ही अनेक झगड़े होते हैं, अबलाओं को सितम सहन करने पड़ते हैं। पवित्र बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। भारत को कौड़ी से हीरा, दुखधाम से सुखधाम, पुराने को नया बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम बच्चे इसी बात की मदद बाप को करते हो, इसलिए बाप के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होती है। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहला, अंदर बाहर दिल की सफाई से साहेब शिव बाबा को राजी करना है। माया के ग्रहण से बचने के लिए बाप को सच्चाई से सब सुनाना है। दूसरा, नष्टो मोहा पूरा बनना है, जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं रखनी है, देह अभिमान को तोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। स्पष्टीकरण है, बाप से भी बड़े जादूगर आप बच्चे हो। ऐसा स्नेह का जादू आपके पास है जो निर्बंधन शिव बाबा को भी बंधन में बांध देते हो। बाप को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं, निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। कितने बार तो बाप को भोजन पर बुलाते हो, खाते हो, चलते हो, सोते हो तो भी बाप साथ हैं। कोई कर्म करते हो तो कहते हो कि काम आपका है, कराओ आप, निमित हाथ हम चलाते हैं। फिर कर्म का बोझ भी बाप को दे देते हो तो श्रेष्ठ जादूगर हुए ना। बाबा ने बच्चों को ऊंचा टाइटल देते हुए नशा भी दिलाया और स्मृति भी दिलाई कि बच्चे बाबा से भी बड़े जादूगर हैं, क्योंकि शिव बाबा जो निर्बंधन हैं, उनको भी प्यार के स्नेह के बंधन में बांधकर इस दुनिया में बुलाते हैं। आज का स्लोगन है, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान हो नहीं सकते। अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं हो सकते। अच्छा, अति मीठे मीठे सिकिलधे ज्ञान सितारों प्रति
माता पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया।